20 कह लो 80, ठीक है, जितना भी है, मीन मेजोरिटी ऑफ द फाइबर दैट वी यूज फॉर वेयरिंग पर्पज दैट इज कॉटन। ठीक है, देन अदर कम्स, लेट अस से पॉलिएस्टर इज देयर, then replacement of cotton viscose is there, then acrylic is there, wool is there, silk is there, but 80% comes for cotton. So whatever we are discussing, basically we are discussing in concern with the cotton. जो भी बात होगी तो नॉर्मली इट विल अपीयर कि भाई वो कॉटन से रिलेटेड बात है। स्पेसिफिकली कोई अलग बात पूछनी है, इफ यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क, लेट अस से कॉटन विल हैव ट्रैश, ट्रैश मींस वेस्ट, इट फॉरेन मैटर, ट्रैश, लीव्स, सीड्स, स्लीपर्स, हेयर्स, आयरन पार्टिकल्स, डस्ट, बट पॉलिएस्टर, विस्कोस, एक्रिलिक विल नॉट हैव। Why? They are man-made fibers. ठीक है, प्लांट के अंदर प्रिपेयर होते हैं। Wool will have dust, dirt and other impurities. जो भी इस पे पसीना पसीना है वो सारा मिलेगा इसमें। Silk will have its impurities और foreign matter. So these three are natural fibers. These are man-made fibers. So normally we will be discussing in relation to cotton. Clear? The first is that the material comes from different stations. Cotton क्या होगा? Cotton हिसार में भी हो रही है, आगे चला चले जाओगे आप भोज फाजिल का, ठीक है, पंजाब के अंदर है, then if you go down it is in महाराष्ट्र, गुजरात, as we proceed to south it becomes finer and better. Cotton की एक खास बात है, दो बातें, longer the fiber, जो फाइबर लंबा लोगे तो थोड़ा मोटा लोगे ना, उल्टा इसमें, फर्स्ट क्वालिटी है जो मैन मेड से अपोजिट होगी, इवन वूल से, इवन सिल्क से, क्लियर, और जितना फाइन होगा उतना फाइन धागा बना सकते हो। एक धागे के अंदर, यार्न के अंदर मिनिमम ऑफ 96 फाइबर शुड बी देयर, आप काटोगे तो कम से कम 96 होने चाहिए, उससे नीचे का वो बनेगा नहीं, अनइवन हो जाएगा, ट्विस्ट प्रॉपर नहीं आएगा, स्ट्रेंथ नहीं आएगी, देयर विल बी फॉल्ट्स। तो इफ यू वांट टू मेक अ फाइनर, पतला धागा बनाना, पतला ही अच्छा लगता है क्वालिटी में, इससे ये बेटर लगता है, ठीक है। फाइनर मीन्स you need a finer cotton and finer means you need a longer cotton fiber, clear? Yes, sir. This is first thing. Whenever we say better, finer, longer, it is one and the same thing. So, and second is if we wet, in case of wet state it will have more strength. गीला होने के बाद इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, दिस विल नॉट कम डायरेक्टली एनीवेयर, बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, लेट अस से फर्स्ट इज कॉटन, रॉ कॉटन कहां से आएगी, लेट अस से हरियाणा, पंजाब, इसमें आ गई J34F414 एटसेट्रा क्वालिटी हो गई, ये लोअर क्वालिटी। देन वी गो टू गुजरात, ठीक है, इट इज हैविंग बेटर क्वालिटी देन फॉरन, इजिप्ट, ठीक, इजिप्ट में मोर फाइनर, देखना कई बार बोलेंगे इजिप्शियन कॉटन का बना हुआ, यानी वो बेटर क्वालिटी, वो बना नहीं बना हुआ अलग बात है, कहते मिठाई में इतना खोआ इतना, वो क्या कहा गया वो अलग बात है, वो जो कहा गया इट मीन्स इजिप्शियन कॉटन मीन्स इट इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट और बेस्ट कॉटन
आज से कभी पुराने टाइम में इतनी हल्की साड़ी बनती थी इंडिया में कि हम उसी में से पास करते। अब ये टेक्नोलॉजी तो अब है ही इतनी फाइन, ये बात आ गई समझ में। हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये है, ये थोड़ा सा क्लियर हो गया। सेकंड थिंग इज यहाँ जो कॉटन हुई, वहां जो कॉटन हुई, नेक्स्ट पीरियड में भी वो अलग अलग सेम वेराइटी लेटर से J34 इसमें हुई और यहाँ हुई, वेरिएशन होगा उसमें क्वालिटी में। इट इज नेचुरल फाइबर, कहीं पे ज्यादा कहीं पानी कम लग गया बारिश में, जो भी है वट एवर एवरी सिंगल फाइबर विल बी डिफरेंट। क्लियर है? तो लेटर से वी आर टू मेक 1 लाख केजीज ऑफ मेटीरियल, ऑर्डर आ गया कोई भी काउंट का आ गया, लेटर से 30 इज काउंट। काउंट बताया था तुम्हें फाइबर में फाइनेस, चलो नहीं बताया तुम्हें, मतलब इट इज यार्न भागेगी का साइज है फाइनेस, एक नंबर है, दिस इज अ नंबर, ये वाला है 30, ठीक है। ये 1 लाख केजी या 1 लाख मीटर का ऑर्डर आ गया, जो वट एवर फैब्रिक इज मेड उसको दैट विल बी डाई होगा। अगर इसमें ये कॉटन एक फील्ड की आ गई, फिर दूसरे फील्ड की आ गई, तीसरे की आ गई, एंड देन वी आर मेकिंग द सेम यार्न, यही धागा बना रहे हैं, धागे का साइज तो सेम आ गया, लेकिन जब वो एब्जॉर्व करेगा तो कोई ज्यादा एब्जॉर्व कर लेगा कोई कम, यहाँ पे अच्छी वर्क आ जाएगा। ये क्लियर है? तो सो टू अवॉइड दिस, दिस इज द मेन रीजन। फर्स्ट इज फॉर यूनिफॉर्मिटी, ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज यही है ना, वही लेंथ फाइननेस वगैरह एब्जॉर्बेंस, ठीक है। किसी में ये कलर अलग अलग होगा, कलर नहीं निकालता हमने, कोई थोड़ा येलोइश होगा, कोई व्हाइट होगा, ठीक है। तो वी विल मिक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉटन टेकन फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, अलग अलग जगह से लिए उनको मिक्स कर देंगे, ठीक। सेकेंड इज फॉर कॉस्ट कटिंग, कम कॉस्ट करनी है। अब कैसे करेंगे वो नेक्स्ट है, ये पर्पज लिख रहे हैं। कॉस्ट कटिंग मीन्स यहां से मटेरियल हमने मशीन में फीड किया, कुछ वेस्ट बनेगा, खराब भी होगा, वो कहां जाएगा, बाहर तो नहीं फेंकोगे, तो वी विल ब्रिंग दैट एंड वी विल एड वेस्ट बैक, उसको वापस उठाएंगे और कोशिश करेंगे इस्तेमाल करने की। दैट कैन बी मैक्सिमम ऑफ 5% उसे यूज करेंगे तो कॉस्ट कम रहेगी, नहीं तो 5% की वेस्टेज होती है। 1 लाख किलो के अंदर 5% का मतलब कितना हुआ, अगर वेस्ट हो जाता है तो 5000 kg, ठीक है, इतना ही हो गया। और अगर एक का एक की कॉस्ट 150 ml 100 ले रहा हूं इजी करने के लिए, 2 0 ये आ गई और 3 0 ये आ गई, कितना हो गया, पांच लाख का घाटा हो गया, कितना ही कमाना। अभी तो वेस्ट, दिस वेस्ट इज एडेड कॉस्ट कटिंग वन थिंग। सेकेंड थिंग, कोई भी चीज करेंगे क्या बोलते हो, ठीक है, कॉस्ट कटिंग सस्ता, ग्राहक को देना है 5 रुपए, हमने इसके इसी के बढ़ाए ना, अगर ग्राहक के तो मार्क कैसे लिखेगा मटीरियल, तो कैसे ही कैसे ना कॉस्ट कटिंग करनी है। फर्स्ट सुंदर, सुंदर मींस एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, कस्टमर को जितना चाहिए उतना देना, उसे फालतू दोगे तो आप कॉस्ट को इंक्रीज करने लग जाओगे। मिनिमम ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर हमारा ये है सुंदर, ठीक है। इट मे बी क्वालिटी वाइज, इट मे बी डिजाइन वाइज, इट मे बी
ड्यूरेबिलिटी इसी में आ गया सारा कुछ, ठीक है। वो फिर ड्यूरेबिलिटी देगा, 6 महीने में टूट गया ये जूता, चाहे वो जूते पे अप्लाई कर लो चाहे वो कपड़े पे कर लो, क्लियर हुई, तो वो नहीं लेगा दोबारा। तो मिनिमम ऑफ कस्टमर जो रिक्वायरमेंट है सेटिस्फेक्शन, क्लियर। तो हम प्रॉपर्टीज प्रॉपर चाहिए, वो हमारी रिक्वायरमेंट है, सुंदर दिखने के, ड्यूरेबिलिटी कॉस्ट चाहिए, ये भी हमारी और कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। अब कैसे करेंगे, सपोज लेट अस से वी आर टू मेक 30 काउंट, ये और 30 मार्क्स शर्ट, ठीक है, 30 से 40 शर्ट वाला बनाना, करें इसे स्टार्ट। मैं तुम्हारा सेकंड सेमेस्टर ईयर का समझा रहा हूं, इतना ज्यादा मैं सिंपल सा पढ़ देता, दो लाइनें ही है बस एक्चुअली। तो व्हाट वी विल डू, लेट अस से गुजरात से आई कोई भी, या एसयू पकड़ लो कोई भी आई, एसयू मतलब आगे शंकर कुछ भी नाम होगा, S4 S6, गुजरात से आई, महंगी है काफी, अच्छी क्वालिटी नहीं, इट इज मोर कॉस्टली है कि वी कैन स्टिल ब्रिंग सम क्वालिटीज डाउन। तो क्या करेंगे हम इसमें J34 या F414 मिक्स कर देंगे, लेट अस से ये सस्ती है 40% ये मिक्स कर दी, 60% ये मिक्स कर दी, हो गया, ठीक है, कॉस्ट कम हो गई, इसकी कॉस्ट कम है, इसकी ज्यादा है, मैच करके देखेंगे क्वालिटी आ रही है या नहीं, इसकी 45 करके देखेंगे, इसका 35 30, विद टाइम आफ्टर 5-7 इयर्स एक्सपीरियंस हमारे ऊपर भी होंगे ना, तुम्हारे मैनेजर जी उन्हें एक्सपीरियंस है, वो बता देंगे नहीं 40 करने में ये 30 करने में 40, तुम्हें एक्सपीरियंस हो गया, यू विल डू द सेम। तो फर्स्ट टाइम तो कर नहीं रहे, क्लियर है, जो जल्दी होगी चार जगह डिस्कस होगी, तुम वट इज गोइंग ऑन योर साइड, वो कहेंगे ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे क्यों चला रहे हो, हमारे यहाँ ऐसे चल रहा है, ऐसे बात हुई ना तुम्हारी आपस में, हमारे में तो इतना कॉस्ट लग रहा है, तुम्हारे में कितना लग रहा है, तो यही बातें होंगी, क्लियर हुई। तो विद टाइम व्हेन यू रीच टू द पोजीशन ऑफ मैनेजर यू विल बी क्लियर, ये बात आ गई समझ में कि क्या चलाना है। तो इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टैंडर्डाइज चल भी रहा है, ऊपर से भी आएगा कि यही चलाना है हमें, कस्टमर भी दे सकता है, कस्टमर मींस जो फैब्रिक क्रॉप बनाता है, चाहे वो निटेड बना रहा है चाहे वूवन, कस्टमर हम तो है नहीं धागे के कस्टमर, हम तो कपड़े के कस्टमर है, ये भी बात। तो कस्टमर विल अदर इंडस्ट्री विल सेंड की हमें ये क्वालिटी चाहिए, क्लियर होगी, ये कॉस्ट हो गई। अब यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रॉपर्टीज चाहिए, कितना है 1 लाख केजी, 1 लाख केजी की डाइंग प्रॉपर्टी, करीब करीब एवरेज लेंथ, एवरेज फाइननेस ऑफ दी फाइबर, ठीक है, एवरेज कलर शुड बी सेम, ये है। तो अब 1 लाख केजी मान लो ये एक जगह से तो नहीं मिलेगा, एक फील्ड में तो नहीं हो रहा, यहीं तो नहीं हो रहा, यहां से भी लोगे, वहां से भी, वहां से भी, वहां से भी हो सकता है, हिसार से भी लो, हंसी से भी लो, वहां से भी लेना पड़ जाए, बठिंडा से मटीरियल इतना ज्यादा है, ये कितना लेना है अपने को, कितना लेना है, ये कितना लेना है, कुछ वेस्ट भी निकलेगा, ऐसे नहीं सारा का सारा बनेगा, इसमें वेस्ट तो ऑलरेडी है ही 5-10%, फिर कुछ निकलेगा, तो 10% बढ़ा के भी लोगे, कुछ खराब भी होगा, बढ़ा दें, ठीक है, एवरेज बढ़ा दिया, आ गया इतना मेटीरियल, क्लियर है, मिलने में हो सकता है ये ज्यादा मिले कम ज्यादा, ये क्लियर हो गया। देन आफ्टर दैट, अब ये अलग अलग उससे आए, ये समझ लो ये आ गया 10,000 केजी, ये एक आ गया कहीं से 5,000 केजी, एक आ गया 15,000 केजी, कितना हो गया ये 15, 20, 30, और आ गया कहीं से 20,000 केजी, 50 हो गया कहीं से और 15,000 केजी आ गया, ठीक, ऐसे इधर आ गया, जो प्रैक्टिकली होता है वो बता रहा हूं,
तो बड़ा इजी हो जाएगा, नहीं समझ में आया तो मुझे बोल देना भी, ये मत करते रहना, ये दोबारा कोई नहीं बताएगा फाइनल ईयर तक। ये भी स्लैब लेंगे हम 45 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 15-15 के स्लैब में टू मेक इट इजी। ये तो अलग अलग हो गए ना क्लास मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट। मॉर्निंग 7 से प्लस 8 आवर कर लो या 8 से प्लस 8 आवर या 6 से प्लस 8 आवर एंड प्लस 8 तो 1 मिक्सिंग इज नॉर्मली फिक्स फॉर 8 आवर्स हो गया। वो कितना बड़ा बिन होगा ये जून जितना, इसको थोड़ा स्क्वीज कर लो इधर से कम कर लो, ठीक हो गया। इसी के बराबर में मिक्सिंग नंबर 2, इसी के बराबर में मिक्सिंग नंबर 3, मिक्सिंग नंबर 4। यहां मशीन लगी हुई है, यहां 4 केबिन बने हुए हैं बॉल के साथ में, ये तो पूरा खुला हुआ है। अब बेल में कैसे आता है 200 से मान लो 300 केजी तक, कॉटन तो बहुत सॉफ्ट होता है, एक किलो में कितना आता है, एक रजाई में कितना आता है 2-3 किलो, उस रजाई को तय करोगे तो इतनी तो हो जाती है। उतने साइज में ही ये 200 से 300 केजी बेल पैक होती है, उसे कितना दबा दिया गया होगा इसको समझे, प्रेशर से उसे स्क्वीज किया गया, इतनी बड़ी बेल होगी नीचे से ऊपर लो इसके साइज में आगे आगे के बेंच में, इतनी मान लो नीचे से ऊपर इतनी, ठीक है 200 से 300 केजी की साइज में आ रही है, उधर पूरा स्क्वीज किया है, तुम्हें भी स्क्वीज कर दे तो फिर कई दिन में ही खोलोगे ना हाथ पैर, तो उसके लिए हाथ पैर खोलने हैं। हाथ पैर खोलने के लिए 24 आवर्स दिए जाते हैं, क्लियर हो गई। तो अब कितनी लगी बिन 1, 2, 3, 4, फोर्थ पे कब पहुंचोगे, यहां स्टार्ट किए तो ये स्टार्ट की मॉर्निंग में, खाली होगी इवनिंग में, उस पे चले गए नेक्स्ट पे, अब ये इवनिंग में लगेगी 2-3 लेबर वाले से भरेंगे, अब इवनिंग में भरा, ये मॉर्निंग है 1, 2, 3, 4 ये मॉर्निंग में लगी, मॉर्निंग में यूज हो गई, लगी कब फिर कब हुई इवनिंग में, ये इवनिंग में हुई ये नाइट में, ये मॉर्निंग में दोबारा कर दी तो 24 आवर तो नहीं हुए, अब ये कब हुई मॉर्निंग में, इवनिंग में लगी थी तो अब ये यूज कब हुई, जो जो खाली हुई है वो नेक्स्ट शिफ्ट में भरेंगे लगाएंगे और नेक्स्ट को चालू कर देंगे। अब मिक्स करने के अलग अलग तरीके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिक्सिंग, पहले तो एक मशीन में ही डाल दो अलग अलग, कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हम कह रहे हैं 4-5%। लेट अस से अ मिक्सिंग इज ऑफ 3000 केजी मास, सपोज 2000 मास लगेगा एक का, एक दिन में इसका 55th, इसका 55th, इसका 55th, समझ में आया बात, इसका 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 55th कैसे 15 गुना, ठीक है इसका 15 गुना 55, 10,000 है 10 गुना 55, 1000 केजी हो गया ये, ठीक 5 गुना 55, 15 गुना 55,
25 गुना 55, 10 15 गुना 55, तो लेट अस से ये कितना है 20,000 है ना, 2000 के अंदर, ठीक है, इसका पांचवा हिस्सा बन जाएगा ना लास्ट में, तो 2000 के अंदर लेट अस से ये 400 केजी लगेगा, मैथ तो स्ट्रांग हो, फिर से आ जाते हैं, इतना नहीं लगेगा, 50th हिस्सा लगेगा, इसका 50th करो 20,000 देखिए, 55 है वैसे, चलो 50th कर लेते हैं, 5 हो गए, अब आ गया, आ गया ना, इसका मतलब अराउंड अबाउट दो बेल्स लगेंगी, तो दो बेल्स इसकी रख देंगे हम, ठीक है, 10-15 है तो डेढ़ बेल इसकी रख देंगे, ये बात समझ में आ गई, 10 है तो एक बेल इसकी हो गई, ठीक है, 5 है तो आधी बेल इसकी हो गई, 15 है तो डेढ़ बेल इसकी हो गई, वेस्ट कुछ ले लेंगे हम, ठीक है, इसमें कितना है 2000 है तो इसका 5% 40 केजी ले लेंगे, ये डेढ़ हो गया, ये डेढ़ हो गया, ये डेढ़ हो गया, बेल लगा लो, ठीक है, दो वाली ज्यादा डलेगी, हाफ वाली कम डलेगी, ये तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा लेबर के, डेली करेगा वो काम, तो ये यही काम करना है उसने, ये क्लियर हो गई, वो उसको ऐसे लगाएगा नीचे, पहले ये वाली डाल देगा थोड़ी सी, फिर इसके ऊपर थोड़ी सी ये डाल देगा ऐसे ही करके, फिर ये डाल देगा, फिर ये डाल देगा, फिर ये डल गई सारे में, फिर बेस डल गया, फिर कोई स्प्रे कर दिया, स्प्रे क्या, वाटर की कमी है, पानी डाल दिया स्प्रे, ठीक है, बेंसन फैन से स्प्रे हो जाता है, जैसे स्प्रेयर से होता है, पीछे लगा के नहीं करते स्प्रे, देन उसके अंदर रन करनी है हमने, अगर उसके अंदर स्टैटिक चार्जेस डेवलप होंगे, सपोज करो पॉलिएस्टर है, स्टैटिक चार्जेस डेवलप होंगे ना सिंथेटिक में, तो उसमें एंटी स्टैट एजेंट डाल दिया पॉइंट्स में, पॉइंट कुछ परसेंट स्प्रे मार दिया अंदर, वाटर मार दिया, ठीक है, जो भी चीज है वो, फिर ली इतनी लेयर, फिर लगा दी, फिर इतनी लेयर, फिर लगा दी, तो वहां से वहां तक वो भर देगा उसे 8 घंटे, एक लेवर है, दो लेवर है, 3 लेवर है, भर दिया, अब यो लेयर को निकालोगे कैसे, कैसे निकालोगे, देखो ऊपर से लोगे और उसे गिराओगे, वो नहीं होता, क्या होती हो, 2-3-4 फुटी सी लगे क्या बोलते हैं, तो सानी निकाल देंगे, जेली जेली टाइप में, हाँ देखो कुछ नहीं छोड़ो, ये है धंधा, इसके आगे 5-6-10 हुक बने हुए हैं, इससे ऊपर मारोगे गिर जाएगा ये, ऊपर मारोगे, अब क्या हो रहा है, लगी तो यूं थी, फिर काट कैसे रहे हो ऐसे, तो ये एक मिक्सिंग हो गई और ये दूसरी मिक्सिंग हो गई, बट व्हाट वी आर डूइंग इन मिक्सिंग इज वी आर मिक्सिंग द सेम फाइबर कॉटन, एक क्या कर रहे हैं हम, कॉटन ही मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा नहीं कर रहे, वो ब्लेंडिंग हो गई, नंबर टू मिक्सिंग में कोई फिक्स नहीं है कि इसके दो फाइबर कम चले गए, दो फाइबर ज्यादा चले गए, ब्लेंडिंग में हर चीज फिक्स है, परसेंटेज ये क्लियर हो गया, तो उन्होंने देखा हल्का फुल्का ऊपर नीचे चल गया, इट इज फॉर जनरल इवननेस ऑफ फाइबर प्रॉपर्टीज, क्लियर, फिर जो पहले वाले उसमें ले जाओगे उसमें वो कई बार घूमेगा, वहां मिक्स हो जाता है मटेरियल, तो इट इज कि हम ऐसे स्ट्रेट इसको चला दें, फिर इसको चला दें, तो अनइवन प्रॉपर्टीज आएंगी या डाइंग आएगी, बनेगा तो काउंट सेम, ये उंगली सबकी सबके पास है लेकिन फिर भी अलग अलग है, बात समझ में आ गई, सेम वे दिस इज मिक्सिंग, समझ में आ गई, मिक्सिंग की 4 बिन्स बनेगी, ठीक, 24 आवर्स वो रहेगा फाइबर को ओपन करने के लिए, उसके अंदर स्प्रे करेंगे वाटर, एंटी स्टैटिक कुछ भी, सम वेस्ट इज एडेड, ये कुछ एक चीज क्लियर हो गई, लेयर ऐसे लगाएंगे इवनली लेकर, कट ऐसे करेंगे नॉर्मली, ये ठीक हो गया, क्लियर हो गया, कम ज्यादा एक अलग बात है भैया, एक
घंटा ज्यादा चल गई कम चल गई, कोई एग्जैक्ट 8 घंटे का तो पंगा है नहीं। ये क्लियर हो गया हाउ इट इज डन, ये क्लियर हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉटन कहां से आती है। एज वी मूव टू साउथ इट इज मोर फाइनर एंड बेटर क्वालिटी। अब ये आप इसको सर्च कर लोगे, ठीक है। कॉटन ग्रोइंग एरियाज इन हरियाणा इन पंजाब या कॉटन ग्रेइंग ग्रोइंग स्टेट्स, ये लिख लो एक असाइनमेंट, कॉटन ग्रोइंग स्टेट इन, हो गया कॉटन, इट्स कॉटन इंपॉर्टेंट वेराइटी लिख लो, इट्स इंपॉर्टेंट वेराइटीज एंड प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टी आ जाएंगी लेंथ ग्रोथ थोड़ी, एवरेज लेंथ इफेक्टिव लेंथ एंड प्रॉपर्टीज, हो गया बोल दिया। हाँ वेराइटीज इंपॉर्टेंट वेराइटीज, हो सकता 50 आ जाए, इंपॉर्टेंट तो यही ना नॉर्मली ये यूज में आ रही है, ये यूज में आ रही है, ठीक है, हो सकता है 50 हो। गाड़ियां तो 50 तरह की बनी हुई है, चलती 3-4 कंपनी की है ना, ठीक है, क्लियर हो गई। फिर कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज, इजिप्ट जरूर आएगा उसमें है ना, क्या पता कोरिया में भी होने लगी हूं मुझे ना, ठीक है। एंड फाइनेस्ट क्वालिटी कॉटन, हम यहां तो फाइनेस्ट मंगाएंगे, चाइना भी क्या पता बनाता हो, चाइना तो हर चीज छाप देता है, ठीक है। सर्च करनी है, ये एक असाइनमेंट नंबर 2 हो गई, ये सर्च कर लेंगे, यहीं करा दूंगा, नहीं टेंशन ना लो, यही आपस में कर लेंगे। ये हो गया क्लियर, दिस इज मिक्सिंग, मिक्सिंग इज डन विद इन द सेम फाइबर, नॉर्मली इट इज कॉटन और नेचुरल फाइबर, बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज स्पेशली डाइंग एंड अब्सॉर्बेंसी इट इज टू बी डन। क्लियर हो गया, दिस इज कॉल्ड एज मिक्सिंग, इट इज नॉट इन फिक्स प्रपोर्शन। ब्लेंडिंग इज डन बिटवीन टू फाइबर, देखो दोनों में कॉस्ट कटिंग कॉमन है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रॉपर्टीज कॉमन है दोनों में, डिफरेंस क्या है, डिफरेंट फाइबर एंड सेम फाइबर, हो गया, वो नेचुरल में और नेचुरल सिंथेटिक कुछ भी हो सकता है। दैट इज डन फॉर फंक्शनल प्रॉपर्टीज, पॉलिएस्टर की प्रॉपर्टीज भी आ जाए, कॉटन की भी आ जाए, पॉलिएस्टर की आ जाए, विस्कोस की आ जाए, वूल की भी आ जाए, एक्रिलिक की आ जाए, वूल एक्रिलिक के केस में कॉस्ट कटिंग हो गई। एंड इट इज इन फिक्स रेशियो, ब्लेंड ब्लेंडिंग इज इन फिक्स रेशियो, मिक्सिंग इज इन नॉट इन फिक्स रेशियो, टेंटेटिव है। एंड मिक्सिंग इज नॉर्मली डन एट फ्लोरूम स्टेज, ठीक है, ये डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज आगे क्वेश्चन आएगा। मिक्सिंग इज डन एट फ्लोरूम स्टेज, ब्लेंडिंग इज डन एट फ्लोरूम, कार्डिंग ड्रॉ फ्रेम अप टू सिंप्लेक्स, जब तक धागा नहीं बन जाता कहीं भी ब्लेंडिंग कर, हो गया क्लियर, ठीक है।